गुड मॉर्निंग बच्चों, LPS ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम हिंदी ग्रामर का जो टॉपिक है वर्ण विचार, उसे पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले के वीडियो में आपने वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण की डेफिनेशन, वर्ण के काइंड्स, प्रकार, स्वर, व्यंजन, स्वर व्यंजनों के भेद, ये सब कुछ हमने इससे अगली वीडियो में जान लिए हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने ये देखा था कि अन्य वर्ण कौन कौन से होते हैं। अन्य वर्णों में हमने आपको संयुक्त वर्णों के बारे में जानकारी दी, संयुक्त वर्णों की रचना के बारे में आपको बताया, और आज हम अयोगवाह वर्णों के बारे में आपको बता रहे हैं। अयोगवाह वे वर्ण होते हैं जिन्हें ना तो स्वर के साथ शामिल किया जाता है, स्वर के साथ भी काउंट नहीं किया जाता, और ना ही व्यंजनों के साथ काउंट किया जाता है। यानी साथ रहते हुए भी इन्हें न तो स्वर के साथ गिना जाता है और ना व्यंजन के साथ गिना जाता है। ना तो ये पूरी तरह स्वर हैं और ना व्यंजन, लेकिन फिर भी वर्णमाला में इनको साथ रखा जाता है, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन करे कि इन्हें अयोगवाह क्यों कहा जाता है, तो आंसर आपको मिल रहा है कि इन वर्णों को अयोगवाह इसलिए कहा जाता है क्योंकि ना तो इन्हें स्वर के साथ काउंट किया जाता और ना ही इन्हें व्यंजनों के साथ काउंट किया जाता। लेकिन काउंट नहीं होने के बावजूद, उनके साथ शामिल न होने के बावजूद वर्णमाला में इन्हें साथ रखा जाता है, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। तो अयोगवाह वर्ण आपको समझ में आया होगा कि अयोगवाह क्या है। अब ये अयोगवाह कौन कौन से हैं। नंबर फर्स्ट है अनुस्वार। पहला क्या है, अनुस्वार, जिन वर्णों का उच्चारण नाक से किया जाता है। कहाँ से किया जाता है, नाक से किया जाता है, तथा न की ध्वनि निकलती है, अनुस्वार कहलाते हैं। हमने जो व्यंजन पढ़े थे, उन व्यंजनों में हमने जो स्पर्श व्यंजन पढ़े, स्पर्श व्यंजनों के पांच जो भेद हैं, पांच जो उच्चारण स्थान हैं, उनके जो पंचम वर्ण हैं, वे अनुस्वार के रूप में काम में लिए जाते हैं। वैसे इनका उच्चारण कहाँ से होता है, नाक से किया जाता है, और ध्वनि कैसे निकलती है, न की, इसी कारण इन्हें क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। इन्हें प्रकट करने के लिए क्या लगाया जाता है, बिंदु लगाया जाता है, जैसे हंस, कंस, डंक, झंडा, गंगा आदि। यदि अनुस्वार को प्रकट करना हो, सही रूप में लिखना हो, तो जैसे ये गंगा है, तो ये इसी वर्ण का जो पंचम वर्ण है वो इसका बिंदु के रूप में यहाँ लगा हुआ है, उसे यहाँ आप इस तरह भी लिख सकते हैं। अगला अयोगवाह है अनुनासिक। अनुनासिक वे वर्ण होते हैं जिन्हें नाक व गले दोनों से बोला जाता है। उच्चारण करते समय हवा नाक व मुख दोनों से निकलती है। इनका उच्चारण करते समय हवा नाक व
मुख दोनों से निकलती है। इधर यहाँ आपने देखा केवल उच्चारण किससे होता है, नाक से होता है, नय की ध्वनि निकलती है। जबकि अनुनासिक में इनका उच्चारण नाक व गले दोनों से किया जाता है। उच्चारण करते हैं तो हवा नाक व मुख दोनों से निकलती है, किसी एक जगह से नहीं, दोनों से। और इसे चंद्रबिंदु से प्रकट किया जाता है। किससे प्रकट किया जाता है, चंद्रबिंदु से। जैसे चांद, हंसी, दांत। अब इनका उच्चारण जब हम करते हैं तो उच्चारण करते वक्त हवा है वो मुख व गला, नाक व गला दोनों से निकलती है। अगला अंतिम जो अयोगवाह वर्ण है वह है विसर्ग। एह की जो मात्रा होती है वो विसर्ग कहलाती है। एह की जो मात्रा है वो क्या कहलाती है, विसर्ग कहलाती है। और इसका जो उच्चारण है के समान होता है, स्वर रहित है। कौन सा है, स्वर रहित है के समान इसका उच्चारण होता है। जैसे प्रातः है, अतः है, पुनः दुख, इस वर्ण में इसमें भी विसर्ग लगा हुआ होता है। और इस तरह से इसे उच्चारण करते दुख उच्चारित किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने आपको अयोगवाहों की जानकारी दी। अयोगवाह किसे कहते हैं, अयोगवाह कौन कौन से हैं, और अनुसार अनुसिक में क्या अंतर होता है। तीन क्वेश्चन आप इसमें नोट कर लें। पहला जो क्वेश्चन है वो है अयोग वाह किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको लिखना है और लिखने के बाद आंसर आपको यहाँ मिल रहा है कि अयोग वाह विवर्ण होते हैं जिन्हें न स्वर के साथ गिना जाता है, न व्यंजनों के साथ गिना जाता है, लेकिन काउंटिंग नहीं होने के बाद भी वर्णमाला में इन्हें साथ रखा जाता है। इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, अयोग वाह कहा जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन है वह है अयोग वाह कौन कौन से वर्ण हैं। उदाहरण सहित लिखो। तो अयोगवाह कौन कौन से वर्ण हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग, ये अयोगवाह वर्ण हैं। और उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है जैसा हमने आपको यहाँ स्पष्ट करा रखा है। तीसरा जो लास्ट क्वेश्चन इसमें बनता है वो है अनुस्वार व अनु नासिक। अनुस्वार व अनुनासिक में क्या अंतर होता है। अनुसार अनुनासिक में क्या अंतर होता है। तो उच्चारण के आधार पर प्यारे बच्चों आपने अनुसार अनुनासिक का अंतर जाना है कि
अनुस्वार का उच्चारण केवल नाक से किया जाता है, नाक की ध्वनि निकलती है, बिंदु से प्रकट किया जाता है, जबकि अनुनासिक का उच्चारण नाक व गले दोनों से किया जाता है। उच्चारण करते समय हवा नाक व मुख दोनों से निकलती है और इसे चंद्र बिंदु से प्रकट किया जाता है। तो ये इनका अंतर हो गया। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे हम अगले वीडियो में आपको अगले टॉपिक के साथ फिर नई जानकारी के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।